Now, second question is, if 28 minus 8, sorry, 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x. इसमें क्या बताए? 28 minus x is mean proportional of 23 minus x and 19 minus x. Then find x by property of mean proportional. By property of mean proportional क्या आएगा? 28 minus x square. Why? Because mean proportional में क्या बताया था? B square is equal to, मतलब mean proportional का जो square होता है वो square दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है. सो 28 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स. ओके, अब 28 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपांड किया, 784 माइनस 56 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 इंटू 19 437. 23 इंटू एक्स माइनस 23 एक्स, माइनस एक्स इंटू 19 माइनस 19 एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. X square again cancel. 784 minus 56x is equal to 437 minus 42x. Minus 23 minus 19 minus 42x. ठीक है, अब देखो minus 56x, ये जो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो गए, minus 56x plus 42x is equal to 437 minus 784. यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गए. माइनस 14x, माइनस 56 प्लस 42, माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 347. इसमें से इसको माइनस का तो आंसर है माइनस 347. सो x इज इक्वल टू माइनस 347 डिवाइड बाय माइनस 14. तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हुआ. अब ये जो दो नंबर्स है इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये जो दो नंबर्स इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. सो x इज इक्वल टू 347 डिवाइड बाय 14. दिस इज फाइनल आंसर. राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12. ए बी सी थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन. ओके, एंड मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26. सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल 26. सी लेट ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. हियर बी इज इक्वल टू 12 बिकॉज मीन प्रोपोर्शन इज 12 आर गिवन, इज गिवन एंड ए प्लस सी इज इक्वल 26. ए प्लस इक्वल 26. अगर मुझे ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए और सी मिला के 26 हुआ है ना, तो 26 में से मैंने सी को माइनस किया तो मुझे ए मिलेगा. सो ए इज इक्वल टू 26 माइनस सी, 26 माइनस सी. नाउ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 26 माइनस सी इंटू सी. ए इंटू सी है ना, तो ए की वैल्यू क्या है? 26 माइनस सी इंटू सी. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू 26 सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. 12 का स्क्वायर आया 144. 144 इज इक्वल टू 26 सी माइनस सी स्क्वेयर. ओके, ये पूरे के पूरे से यहाँ पे लेके आओ तो सी स्क्वेयर माइनस 26 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे हम लोग, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वेयर माइनस 26 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0. 26 दो नंबर ऐसे रहे जिनको प्लस करने पर 26 और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा? 144. एंड दिज आर 18 एंड 8. सो सी स्क्वेयर माइनस 18 सी माइनस 8 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0. सी स्क्वेयर माइनस 18 सी माइनस 8 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0. सी यहाँ पे कॉमन ले तो सी माइनस 18 माइनस 8 यहाँ पे, तो सी माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो सी माइनस 18. ओके, एंड सी माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सी माइनस 18 एंड सी माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो सी माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और सी माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सी माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या फिर सी माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो सी इज इक्वल टू 18 और सी इज इक्वल टू 8, मतलब सी 18 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है. राइट, थ्री नंबर्स आर, तो थ्री नंबर्स कौन से आ सकते हैं? 18 12 8 ये भी आ सकते हैं या फिर 8 12 18 ऐसे भी आ सकते हैं. आया समझ में? या तो 18 12 8 या तो 8 12 18. अंडरस्टूड एवरीवन? राइट डाउन.